34 महीने बाद एक बार फिर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो सकती है। मौका होगा गंगा सफाई पर मुख्यमंत्रियों की बैठक का। बैठक में हालांकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और झारखंड के सीएम भी होंगे, लेकिन निगाहें तो हर किसी की नीतीश मोदी पर ही टिकी होगी। कुछ नेताओं का अहंकार जो जनता जनार्दन से भी सातवें आसमान पर उड़ता है। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों पर सत्ता का नशा चढ़ गया, जिनको जनता जनार्दन के सुख दुख की चिंता नहीं है। देश में जो अभी चुनाव हुआ, न जाने कितने तरह की अफवाहें फैलाई गई। कभी एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसने वाले दो नेताओं का आज दिल्ली में मिलन हो रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार मोदी दरबार में हाजिरी लगाने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास 7 RCR में दिन के 4:30 बजे मोदी और नीतीश की आमने सामने मुलाकात होगी। मोदी और नीतीश की ये मुलाकात गंगा सफाई परियोजना पर बुलाई गई 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक से अलग होगी। गंगा सफाई पर 7 RCR में बुलाई गई बैठक में नीतीश के अलावा यूपी के सीएम अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, झारखंड के सीएम रघुवर दास और उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत के शामिल होने की उम्मीद है। इस मुलाकात में मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ गंगा सफाई की कार्य योजनाओं और राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करेंगे। सीएम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि विभिन्न राज्यों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान लगाने को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं। बहरहाल सबकी निगाहें सीएम सम्मेलन की जगह मोदी नीतीश की मुलाकात पर टिकी हुई है। इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद दोनों नेताओं की ये पहली औपचारिक मुलाकात होगी। पिछले महीने 26 फरवरी को लालू प्रसाद यादव की बेटी और मुलायम सिंह यादव के पोते की शादी के रिसेप्शन में दोनों नेता आपस में मिले तो जरूर थे, लेकिन ये शिष्टाचार मुलाकात से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। ये मुलाकात लालू ने कराई थी और कहा जाता है कि नीतीश से मिलते ही मोदी ने उनका हालचाल पूछा था और दोनों ने गर्मजोशी से हाथ भी मिलाए थे। दोनों नेताओं की आज की मुलाकात पर पूरे देश की निगाहें हैं क्योंकि सार्वजनिक मंचों पर नरेंद्र मोदी के साथ देखने को लेकर नीतीश कभी सहज नहीं रहे। एनडीए के साथ गठबंधन रहते हुए भी उन्होंने बिहार की चुनावी रैलियों में नरेंद्र मोदी के आने पर अघोषित बैन लगा रखा था। यहां तक कि 2010 में मोदी के साथ मंच साझा करने की, 2009 की लुधियाना रैली की एक तस्वीर जब बीजेपी ने विज्ञापन की शक्ल में सार्वजनिक की तो नीतीश ने बीजेपी नेताओं के सम्मान में रखा भोज तक रद्द कर दिया था। हालांकि 2 साल बाद दिल्ली में राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र यानी NCTC को लेकर हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में दोनों नेता आपस में बतियाते नजर आए, लेकिन 1 साल बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास इतनी बढ़ चुकी थी कि NCTC सम्मेलन के दौरान नीतीश की अनदेखी कर मोदी आगे बढ़ गए। लेकिन अब एक दूसरे की अनदेखी की गुंजाइश ही नहीं बची। नीतीश बिहार के सीएम है तो मोदी देश के पीएम, ऐसे में बिहार के भविष्य को लेकर मोदी की अनदेखी कब तक करेंगे नीतीश? हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने शायद नीतीश कुमार को अपनी तमाम राजनीतिक गलतियों का एहसास भी कराया है। अब नीतीश अतीत की गलतियों की भरपाई करने में जुटे हैं। फिर से बिहार की कमान अपने हाथों में ले ली तो मोदी से दूरियां भी कम करने में लगे हैं, क्योंकि वो जानते समझते हैं बिहार का भला करना है तो केंद्र सरकार से 36 का रिश्ता बनाए रखना मुमकिन नहीं। कभी सार्वजनिक मंच पर नरेंद्र मोदी के साथ दिखने तक से परहेज करने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज जब 7 रेस कोर्स स्थित पीएम आवास में प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो ये मुलाकात खालिस औपचारिक होगी। माना जा रहा है कि मुलाकात में बिहार के आर्थिक एजेंडे पर चर्चा होगी, जिसमें सबसे अहम है 14वें वित्त आयोग की सिफारिश। दरअसल 14वें वित्त आयोग की सिफारिश लागू कर केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाकर 32% से 42% करने का ऐलान किया और खूब वाहवाही बटोरी। लेकिन नीतीश कुमार का आरोप है कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र गलत बयानी कर रहा है और इससे बिहार को घाटा ही है, क्योंकि अब योजनाओं के मद में केंद्र से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। अन्य ग्रांट और BRGF के तहत बिहार को जो अतिरिक्त राशि मिलती थी उसे भी बंद कर दिया जाएगा। कारगिल मुखर्जी फार्मूले के तहत मिलने वाली राशि भी खत्म हो जाएगी। बहुत सारे पैसे जो मिलते थे योजना मद से, योजना आयोग के माध्यम से या केंद्र सरकार देती थी, अब उसको बंद कर दिया गया। तो यही तो हम बार बार बता रहे हैं
कि जितना बढ़ाया और बाकी मद से जो पैसा मिलता था वो समाप्त हो गया, तो कुल जमा जब देखिएगा तो हमारा निगेटिव में चला गया। माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी से आज की मुलाकात में नीतीश 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर बिहार की शंकाओं को सामने रखेंगे। इस मुलाकात के दौरान वो पीएम को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। सूत्रों के मुताबिक ज्ञापन में आशंका जताई गई है कि अगर 14वें वित्त आयोग की सिफारिशें लागू की गई तो बिहार को केंद्रीय मद से मिलने वाले 10,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। वित्त आयोग की सिफारिश के मुताबिक जो राशि मिल रही है बिहार को अब मिलेगी, तो पहले से जो मिल रही थी 13वीं पंचवर्षीय योजना में, तो राज्यों को बांटने के लिए जितनी राशि निर्धारित थी उसका 10.9% हिस्सा बिहार का होता था। अब 14वें वित्त आयोग की सिफारिश में मात्र 9.6% होगा। गौरतलब है कि बिहार के आर्थिक हालात पर चर्चा करने के लिए पिछले महीने नीतीश कुमार वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले थे। इसके अलावा दोबारा बिहार के सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार कई बार कह चुके हैं कि बिहार के वित्तीय मसलों पर मोदी के साथ चर्चा करने से उन्हें कोई परहेज नहीं। ये साफ है कि ये मजबूरी की मुलाकात है। पहली मजबूरी बिहार के आर्थिक विकास को लेकर है और दूसरी मजबूरी बिहार का चुनाव है जो अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं। मांझी राज में बिहार का विकास जिस तरह से पटरी से उतरा वो चुनाव में नीतीश पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में बिहार के विकास को दोबारा रास्ते पर लाने के लिए नीतीश को केंद्र के सहारे की दरकार है और ये सहारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। ऐसे में नीतीश अपने वैचारिक मतभेद को ज्यादा दिनों तक धोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। आज तक ब्यूरो। दरअसल सियासी महत्वाकांक्षा ने नीतीश और मोदी के बीच ऐसी खाई पैदा कर दी कि ना सिर्फ जेडीयू और बीजेपी का रिश्ता टूटा बल्कि सार्वजनिक मंचों पर दोनों एक दूसरे का आमना सामना करने से भी बचने लगे। मोदी के हाथों में देश की सत्ता आई तो दरार और चौड़ी हो गई, लेकिन राजनीति के चक्र ने दोनों को आमने सामने लाकर एक बार फिर खड़ा कर दिया। लोकसभा के जो चुनाव नतीजे आए, पार्टी के अभियान का मैं नेतृत्व कर रहा था, इसलिए ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है और हमने वो जिम्मेवारी कबूल की और मुझे कबूल करना भी चाहिए था, इसलिए यह फैसला कोई भावावेश में नहीं है। बेशक नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में जेडीयू की करारी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन उनके इस कदम को नरेंद्र मोदी से उनके नफरत भरे रिश्ते का चरम माना गया, क्योंकि गुजरात दंगों की वजह से नीतीश मोदी को सियासी तौर पर अछूत मानते रहे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जब नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित किया तो नीतीश ने बीजेपी से नाता तोड़ने में जरा भी देरी नहीं की। जब मौका मिला बिना नाम लिए मोदी पर वार किया। चर्चा हो जाएगी और ऐसा कुछ स्वरूप सामने आ जाएगा तो हम लोग इसको सार्वजनिक रूप से रखेंगे। रही बात बिहार में, तो बिहार में अभी हम लोगों का किसी से कोई अलायंस नहीं। चुनाव में नीतीश अगर हमलावर थे, मोदी ने भी उन्हें अहंकारी कहकर उन पर तगड़ा वार किया। क्या मेरे बिहार के नौजवान पूरे देश के शासन को चला रहे हैं, ये ताकत बिहार में है, लेकिन उसी बिहार के भावी पीढ़ी को तबाह करने का पाप ये लोग कर रहे हैं। ये नौजवानों ने अपने बलबूते पर गरीब घर में पैदा होकर के रात रात पढ़ाई करके अपनी जिंदगी बनाई है, लेकिन ये सरकार उनको डुबो रही है। नीतीश का अनुमान गलत निकला। प्रचंड बहुमत के साथ मोदी प्रधानमंत्री बन गए। नीतीश ने इस्तीफा दिया लेकिन मोदी पर वार करना नहीं छोड़ा। सभाओं में मोदी के चुनावी वादों को सुनाकर हिसाब मांगते रहे। ये वादा कर रहे थे कि महंगाई को दूर भगाएंगे, क्या हुआ इनके वादे का? महंगाई घटने के बजाय बढ़ रही। जो लोगों को वादे किए गए और मजाने चुनाव में किस किस ढंग का जिसका मैंने जिक्र किया प्रचार किया गया गरीब लोगों को, यहां तक कि दबे कुचले समाज के लोगों को भी,
क्या क्या कसर वर्ग लाएंगे। खैर, जीतन राम मांझी को हटाकर नीतीश दोबारा बिहार की गद्दी संभाल चुके हैं। 2014 का चुनावी दौर खत्म हो चुका है। चाहे नीतीश हो या मोदी, दोनों संवैधानिक पदों पर तैनात हैं। ऐसे में उम्मीद है कि फिलहाल वैचारिक मतभेद को छोड़कर बिहार के विकास के लिए कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। आज तक ब्यूरो। बैठक में नीतीश कुमार के साथ साथ मोदी की एक और धुर विरोधी ममता बनर्जी की भी मौजूदगी होगी। मुद्दा वही गंगा सफाई का रहेगा, लेकिन भविष्य के लिए संवाद की कड़ी कहीं से तो शुरू होगी, क्योंकि यह तो दीदी भी जानती हैं कि दिल्ली और कोलकाता के बीच फासला ज्यादा हुआ तो सूबे की सेहत ठीक नहीं होगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गैर बीजेपी दलों के तीन ऐसे चेहरे जिनका नरेंद्र मोदी के साथ सियासी दूरी का इतिहास रहा है। लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि सबको आज मोदी की जरूरत है, क्योंकि मोदी अब देश के मुखिया हैं। और मैं हैरान हूं, दीदी, एक पेपर टाइगर से इतनी डरती क्यों? और असली टाइगर सामने आया तो आपका होगा क्या? अगर पेपर टाइगर इतना महंगा पड़ रहा है तो जब पता चलेगा असली टाइगर की ताकत, तब आपका हाल क्या होगा दीदी? लोकसभा चुनाव के दौरान ममता और मोदी ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला था। मोदी के पीएम बनने के 9 महीने तक ममता बनर्जी ने उनसे मुलाकात नहीं की। कर्ज के जाल से पश्चिम बंगाल को निकालने की गुहार लगाने के लिए उन्हें मोदी के पास आना ही पड़ा। तो बैठक जब आज होगी तो हर किसी की नजर इसी बात को जाहिर तौर पर होगी कि नीतीश और मोदी मिले तो कैसे मिले, क्योंकि दरबार मोदी का है और नीतीश उसमें एक सीएम बनकर आ रहे हैं।